ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो हिंद के नाम पर। पटौदी की इस ऐतिहासिक भूमि को नमन करते हुए देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं। आज इस ऐतिहासिक शहर पटौदी में मुझे स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का अवसर मिला, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। आज आजादी की 76वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर आए हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हम भारतवासी इस गर्व और खुशी का दिन जो मना रहे हैं, और आज हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान, हर घर, हर गाड़ी पे तिरंगा झंडा जो लहरा रहा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले, यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आज़ादी की जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण निछावर कर दिए। उन्हीं के अनुरूप बलिदान के उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पिछले 2 साल से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू हुए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंबाला से ही आज़ादी की जो पहली चिंगारी उठी थी, 10 मई 1857 को फूटी थी, उसी चिंगारी ने आगे चलकर जन आंदोलन खड़ा किया, जिसके बलबूते पर हमने 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारे युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करें, इसके लिए हम अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। आज़ादी के बाद भी 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमण से कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश की। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों का सम्मान जरूर कर सकते हैं। इसी भावना के साथ सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है।